अपने पति को मस्का लगाना, वो जरूर खिलाए बना के। मॉर्निंग गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हर बार यही पूछती हूँ, पता नहीं आप लोग बोर ना जाते हो सुन सुन के, बट कोई नहीं यार, आपके हाल चाल लेना मेरा फ़र्ज है। और यार खाने में बनी है बीन्स की सब्जी आज, तो पराठे सेक दिए थे मैंने, तो नाश्ते में सब लोग अभी पराठा फ़िलहाल खा चुके हैं, कोई चाय से कोई सब्जी से ऐसे खा चुका है, और पापा भी ऑफिस जा चुके हैं, तो मैंने सोचा यार पास्ता बना लेती हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, ज़्यादा तो हैवी हो जाता है ये। और जीनू भी उठ गई थी, तो मैंने कहा जीनू के लिए भी दूध गर्म कर देती हूँ, साइड में रख देती हूँ, और चाय मैं लेके आई गई हूँ, नीचे से बना के ले आई हूँ, तो चाय पियेंगे बाद में, पहले जीनू को फ्री कर देते हैं। और जीनू आ गई थी, इतने में उसको पॉटी लग गई थी, तो वो पॉटी के लिए बोल रही थी, तो फिर मैं उसको ले गई थी, और फ्री हो गई है पॉटी वोटी से, तो मैंने कहा क्यों ना इसको ब्रश दे देती हूँ, ब्रश भी करके फ्री हो जाएगी यहीं पर। कैसे करती है ब्रश? करो, मम्मा कपड़े डाल दे। कूड़े की गाड़ी आ गई, चलो चलो चलो। तो यार मैं वापस आ गई हूँ किचन में, और मैंने गैस बीच में बंद कर दी थी, क्योंकि पास्ता ना बॉईल हो गया था, तो मैंने बीच में आके बंद कर दी थी गैस। और यहाँ ना ये बादाम मैंने रात में भी गोद के रख दिए थे, तो इनको मैं छील के हस्बैंड को दे देती हूँ, और जीनू भी खा लेगी और मैं भी खा लूँगी थोड़े से, तो भीगे हुए बादाम काफ़ी सही रहते हैं, तो इसलिए मैंने भिगो दिए थे रात में। कई बार मोस्टली तो मैं भूल ही जाती हूँ, तो याद था तो मैंने भिगो दिए फिर, तो वो छील के फिलहाल दे दिया हस्बैंड को। थोड़ी देर बनाऊँगी पास्ता, पहले मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ, चाय मेरी बिल्कुल ठंडी हो गई, तो मैं जीनू से वही बोल रही हूँ, जीनू चाय ठंडी हो गई, तो जीनू बार बार मुड़ के वही रिपीट कर रही है, चाय ठंडी हो गई है, चाय ठंडी हो गई है। अच्छा तो बस यार मैंने कहा चाय पी लूँ, फिर उसके बाद लगती हूँ। सुबह सुबह ना ऐसा कुछ खाने का मन नहीं करता चाय से, तो ब्रेकफास्ट बना ही रही हूँ, तो मैंने कहा चाय को ऐसे पी लेती हूँ खाली, फिर पास्ता खा लेंगे। तो बाकी सब चीज़ मैंने रेडी कर ली थी, प्याज काट लिया, टमाटर काट लिया और हरी मिर्च काट लिया। और यहाँ पे अब मैं इंडियन स्टाइल में बनाती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, मतलब जिनको पता है, तो मोस्टली इंडियन स्टाइल बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी पसंद है काफ़ी और मुझे भी अच्छा लगता है, तो वही बना लेती हूँ। वाइट सॉस पास्ता तो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं बनाया, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, तो वो भी सोच रही हूँ एक दिन ना ट्राई करूँगी, काफ़ी दिन हो गया तो बनाऊँगी एक दिन। बस यार यहाँ पे प्याज टमाटर डाल दिया, बाकी कोई वेजिटेबल थी नहीं, शिमला मिर्च ख़त्म हो गई थी, सब्जी बन गई थी उसकी, तो फिर मैंने कहा इसी को ही कर लेती हूँ, मोस्टली इन दोनों से ही बना लेती हूँ पास्ता मैं। तो बस यहाँ पे सारे मसाले ऐड कर रही हूँ, हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी मिर्च, लाल मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डाल रही मैं, क्योंकि सॉस वगैरह डालेंगे ना तो उसमें भी ऑलरेडी होती है, इसलिए बस ये जो हल्का सा भुन जाएगा तो इसमें ऐड कर दूँगी पास्ता। मैं यार पूरा डिटेल में नहीं दिखा रही, क्योंकि ऑलरेडी मैं दिखा चुके अपने ब्लॉग्स में, तो इसलिए अभी मैं जल्दी जल्दी ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो बस यहाँ पे रेडी हो गया, अब इसको सर्व कर दूँगी, थोड़ा हस्बैंड ले लेंगे, थोड़ा मैं ले लूँगी, मैं बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद फिर खाऊँगी। तो यार खा पी के फ्री हो गई हूँ, मैं लगने वाली हूँ क्लीनिंग में, तो मैं बाल वाल सब जूड़ा बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी आपको पता ही कितनी हो रही है, तो इसलिए फिर मैं इनका बाल बांध लेती हूँ अच्छी तरह से, अब फिर मैं लगी हूँ काम में। और जीनू देखो कितनी मस्ती से टीवी देख रही है, मतलब पूरा खो गई है वो टीवी में, मैंने उसको कि दो तीन बार बोल दिया उनका जीनू हट जाओ हट जाओ, बट वो नहीं सुन रही है, तो फिर मैंने उसको खिसका के और साइड में करा तो देखो कैसे खिसक रही है आराम से, मतलब हिल नहीं रही बिल्कुल टीवी देखते टाइम। सुपर जोजो, कोको मेलन, ये तो उसके फेवरेट हो गए आजकल, तो जब भी देखो कोको मेलन लगा दो, यही बोलती रहती है। ओ भाई जीनू क्या ला रहा है, जीनू भारी है लाओ। जीनू दादी के मैंगो ले आए आप? हटो हटो, ओके ओके, चलो चलो जल्दी चलो। नानी के लिए ले आई। तो मैं यार नीचे ना रोटी बनाने के लिए आई हूँ क्लीनिंग वगैरह से फ्री होने के बाद, तो वही मैंने देखा जीनू मैंगो लेके आ रही है, मैंगो से इतने पसंद है ना, मतलब मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है, आई थिंक हर बच्चे को पसंद होते हैं मैंगो, ऐसी ऐसा फल है, ऐसा फ्रूट है जो हर किसी को पसंद होता है, बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको पसंद होता है, तो वही उसे जब देखो, मतलब आप पूरे दिन उसको मैंगो खिला लो, पूरे दिन खाने को रेडी रहेगी, और जैसी देखती है ना, जैसे दीदी चढ़ा देती है पूजा में, तो पूजा का उठा के खा लेती है वहाँ से मंदिर में से भोग का, तो ये हाल है। और यहाँ पे यार मैं रोटी सेक रही हूँ, मैंने कहा रोटी का टाइम हो गया, सेक देती हूँ और मम्मी खिला देंगी, मम्मी परस देंगी सबको। तो बस
बीन्स की सब्जी है और दही मम्मी दे रही हैं। और क्योंकि जिया जो है ना वो मान नहीं रही थी, मतलब अकेली खा नहीं रही थी, होता है ना ऐसा अकेले खाना अच्छा नहीं लगता, तो मम्मी को बार बार बुला रही थी कि आप भी साथ में आ जाओ तो साथ में खाएंगे। तो फिर मैंने मम्मी को भेज दिया था, फिर बाद में मैंने कहा मैं खिला दूँगी। तो फिर मम्मी और सब लोग बैठ के आराम से लंच करेंगे और फिर जीनू भी साथ में करेगी। और कटोरी लेने आई है अभी कि मम्मा कटोरी दे दो, क्योंकि वो अपनी रोटी सब्जी सब अलग रखती है और जैसे हम लोग खाते हैं ना तो वैसे उसके खाने का मन करता है। मतलब जितनी चीज़ें आप लोगे उतनी चीज़ फिर जीनू को भी चाहिए। और ये जी अपने पोते को साथ में लाई हैं, इन्हीं के साथ में आई हैं, तो जीनू मोस्टली इन्हीं के साथ में खाना खा लेती है। तो वो आलू मांग रही है उनसे और आलू एक एक आलू ले रही है। तो यार अभी मैं बनाने जा रही हूँ बन मस्का, चाय बन के रेडी हो गई है, मैंने छान के रख दी है ढक्कन लगा के ठंडी ना हो। जिसको अपने पति को मस्का लगाना हो इसे जरूर खिलाएं बना के, क्योंकि मेरे पति को बहुत पसंद है तो मैं बना लूं। वाह ये हल्के से मीठे होता है, इनू खाया है? इसको पहले बीच में से काट लिया, अब इसको हम तवे पे सेक देंगे, तवा गर्म हो गया। अब इस पर लगा देंगे खूब सारा बटर, जीनू का फेवरेट बटर है, इसे कट कर देंगे। वाओ इट्स रेडी। लो पत्ती देव आप खाओ, मैं एक और बना लेती हूँ अपने लिए। मैं खाऊंगी। जीनू खाएगी। यार अभी चाय पी है और सुबह से मैंने अपने बाल देखे, आज मैंने सुबह से अपने बाल कॉम ही नहीं कर पाए हैं, कैसे हो रहे हैं। तो अभी मैं सबसे पहले कॉम करती हूँ बालों को, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अरे मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो इसको मैं बाहर भेज देती हूँ। तो ये आया ना अभी, तो इनसे कह रही है मम्मा चुप, मम्मा व्लॉगिंग कर रही है बाहर जाओ। जीनू मेरा समझदार बच्चा, ये क्या कर लिया, जीनू के चिप्स लग गए मुंह पे, जीनू चिप्स लग गए आपके, आपने कैसे खाया था चिप्स, ऐसे खाया था, ऐसे खाया था, क्या खाया था जीनू, फोन नहीं बंद करना, फोन नहीं बंद करना, देखो आपके चिप्स लग गए, ये मम्मी के लग गया। अच्छा जीनू किसका बेटा है बता दो, मम्मी का, मम्मी का। तो यार मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं बाल वाल सही करके आप लोगों के सामने आऊँगी, तो मैं नहीं आ पाई बीच में, क्योंकि वीडियो डालने में थोड़ा सा टाइम लग गया और फिर इतने में खाने का टाइम हो गया, तो फिर मैं नीचे चली गई थी। तो फिर यार आके मैं बहुत थक गई थी, एक पैर में मेरे पता नहीं क्यों आजकल पेन हो रहा है, तो इसलिए मैं फिर आराम से बेड पर भी लेटी हूँ। मैंने कपड़े भी नहीं रखे आज, मतलब जो सुखाए थे ना तो कपड़े ही बाहर बेड पर पड़े हुए हैं। और यहाँ ना मैं जीनू की चोटी खोल रही थी, एक चोटी बनी हुई थी ना, तो सोते टाइम यार सही नहीं रहता, तो बाल वाल सब ओपन रहे तो ज़्यादा बेटर है उसके लिए, क्योंकि रबड़ रबड़ फिर वैसी हो जाती है। और कपड़े ही मोस्टली सोते टाइम तो मैं उसे लूज़ ही पहनाती हूँ। तो वही खेल रही जीनू आराम से, और हस्बैंड वगैरह हम दोनों बात कर रहे हैं एप्पल की वॉच, एप्पल का फ़ोन, ये सब पागल वाली बातें होती हैं हमारी। और यहाँ पे वेट कर रहे हैं हस्बैंड, एप्पल का इवेंट होने वाला है तो उसी का वेट कर रहे हैं, फिर वो इवेंट देखेंगे पूरा इवेंट देखेंगे अच्छी तरह। तो ये आपको भी दिखा रहे हैं, वेटिंग चल रही है, अभी इवेंट स्टार्ट होने वाला है, तो उनको बहुत शौक है। तो गाइस व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे कल दोबारा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।